आज हम करेंगे एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज चैप्टर सेकंड की। पहले फिलिंग दी ब्लैंक्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद दी हेल्प ऑफ डैश। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या फिक्स करती है? नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है। अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद दी हेल्प ऑफ यीस्ट। अल्कोहल जो होता है यीस्ट की हेल्प से प्रोड्यूस होता है। कोलरा। कोलरा जो बीमारी होती है वो बैक्टीरिया से होती है। ये सारा आपको मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट टेक द करेक्ट आंसर। जो यीस्ट होती है ये अभी ऊपर ही पढ़ा है, प्रोडक्शन किसकी हेल्प करती है? अल्कोहल। एंटीबायोटिक कौन सी होती है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल या यीस्ट। इसका आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। कैरियर मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ कौन से होते हैं? फीमेल एनफ्लोज मॉस्किटो, इससे मलेरिया फैलता है। द मोस्ट कॉमन कैरियर कम्युनिकेबल डिजीज, सबसे ज़्यादा कौन फैलाता है? हाउस फ्लाई, मक्खी। ठीक है। द ब्रेड और इडली डाउट राइज बिकॉज। ब्रेड और इडली क्यों? क्योंकि उसमें ग्रो हो जाती है सेल की, यीस्ट सेल की। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन, शुगर को अल्कोहल में जब हम चेंज करते हैं तो उसको कहते हैं फर्मेंटेशन। आगे मैच दी कॉलम। बैक्टीरिया कोलरा प्रोड्यूस पैदा करते हैं, राइट, जो भी हम नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। लैक्टोबैक्टिलिस कर्ड को बनाने में मदद करते हैं। यीस्ट जो होती है बेकिंग ऑफ ब्रेड में हेल्प करते हैं। प्रोटोजोआ मलेरिया और वायरस एड्स। तो ये हमारे मैच दी कॉलम है। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन फोर्थ, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद दी हेल्प ऑफ नेक्ड आई। क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ऐसे देख सकते हैं आंखों से, नंगी आंखों से? इफ़ नॉट, हाउ कैन दे बी सीन, हम उसको कैसे देख सकते हैं? इसका आंसर क्या? नो, स्टार्टिंग में आपको बताया था, चैप्टर पढ़ाया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सीन विद दी नेक्ड आई, हम उसको सीधा नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। दे कैन सीन विद दी हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, हम उनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन कौन सी टाइप होती है? ये भी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। द मेजर ग्रुप माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, ये इसकी चार टाइप होती है। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताओ जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम एंड सर्टन ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम होता है वो सोयल को में नाइट्रोजन फिक्स करता है। नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन, राइट 10 लाइन, अब 10 लाइन्स बतानी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो हमें फ़ायदे हैं। सबसे पहले देखो, फर्स्ट, इट यूज इन द फॉर्मेशन कर्ड, ये दही बनाने में मदद करता है। सेकंड, इट इज आल्सो यूज इन मेकिंग ऑफ ब्रेड पेस्ट्री एंड केक, उसमें हेल्प करता है ब्रेड पेस्ट्री और केक बनाने में। इट इज आल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करता है। दे आर आल्सो यूज इन इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में हेल्प करता है। दे आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। दे यूज मेकिंग वैक्सीन, दवाई बनाने में हेल्प करता है। एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प करता है। प्रिजर्वेशन, फूड को ख़राब होने से बचाने में मदद करता है। दे यूज टू मेक मैन्यूर, मैन्यूर खाद बनाने में हेल्प करता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सीवेज नालियों की बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म, अब इसके नुकसान बताने हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल इन मैनी वे, कई टाइप से हमें हार्म करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट कॉज डिजीज इन ह्यूमन, ह्यूमन में बीमारी पैदा करते हैं, प्लांट्स में बीमारी पैदा करते हैं और एनिमल, सभी में बीमारी प्रोड्यूस करते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल्ड फूड, फूड को ख़राब कर देते हैं, कपड़ों को ख़राब कर देते हैं, लैदर को ख़राब कर देते हैं। कई बीमारी जैसे कोलरा हैजा हो गई, कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक, जुकाम हो गया, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होती है। फूड पॉइजनिंग, जो भोजन हमारा ख़राब हो जाता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ख़राब होता है। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन, वट आर एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या होते हैं? वट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक को लेने के लिए हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? एंटीबायोटिक की दवाई, वो वाली दवाई जो ग्रोथ ऑफ डिजीज, जो बीमारी को कम कर देती है या ख़त्म कर देती है, उसे कहते हैं एंटीबायोटिक। ये एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन। फॉलोइंग प्रिकॉशन, हमें ये वाली प्रिकॉशन लेनी चाहिए दवाई लेते समय। एंटीबायोटिक मस्ट बी टेकन ओनली एट द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, अगर क्वालिफाइड डॉक्टर आपको जब दवाई देने खाने को कहे तभी आपको वो दवाई खानी चाहिए, अपनी मर्जी से कोई दवाई नहीं खानी चाहिए। वन मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, डॉक्टर एक बार जो कोर्स
आपको दे दे आपकी बीमारी का, जब तक वो ख़त्म नहीं होता तब तक आपने वो कोर्स दवाई खानी छोड़नी नहीं है। कई ऐसे करते हैं दवाई खा लेते हैं थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं फिर दवाई छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर थोड़े दिनों बाद बीमार हो जाते हैं, इसलिए आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए जो डॉक्टर ने कहा है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक मस्ट बी अवॉइडेड व्हेन नो नीड, जब हमें ज़रूरत ना हो तो हमें एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, और इसकी रॉन्ग डोज गलत डोज भी नहीं लेनी चाहिए। सपोज़ कर डॉक्टर ने आपको दो गोली का और आप उसकी तीन गोली खा लो या चार गोली खा लो, वो भी बहुत नुकसान करेगी आपको, तो हमें एंटीबायोटिक की गलत डोज नहीं लेनी चाहिए। इसके साथ ही आपका ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसके क्वेश्चन आंसर ये आप उसको कर लेना कॉपी।